यादव अपने ठेठ बोली और रवैये के लिए काफी चर्चित है। उनके पोस्टर्स, उनके कार्टून्स लगातार ही सामने आते रहते हैं, जिसे वो खुद भी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उनके मूर्ति को देखा है, जिसमें वो बिल्कुल अपने ही अंदाज में एक पैर पर पैर चढ़ा करके बैठे हुए हैं, वो भी अपने सबसे पसंदीदा अटायर में कुर्ता और पैजामा पहन के, जिसमें उनके एक हाथ में चक्र है, दूसरे हाथ में बांसुरी है। जी हाँ, ये तस्वीर तेज प्रताप यादव ने अपने दूसरे फेसबुक अकाउंट सेकंड लालू के पेज से शेयर किया है। आज के वक्त में राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेज प्रताप यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं है। विशेष रूप से तेज प्रताप यादव ने तो अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। धर्म कर्म की बात करें या सियासत की, उनका व्यक्तित्व सबसे अलग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लालू यादव का रहा है। हमेशा सभी से बिल्कुल अलग और ठेठ बोली और रवैया। राजनीति में लालू प्रसाद यादव की पकड़ मजबूत होते ही उनके ऊपर बने कई पोस्टर्स और कार्टून जनता को देखने मिलते हैं, जिन्हें खुद राजद सुप्रीमो भी पसंद करते हैं। बात करें जन्माष्टमी की, तो उस दिन लालू यादव काफी एक्टिव थे। इसका सबूत है कुछ तस्वीरें और वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं। एक तरफ तेज प्रताप यादव वीडियो कॉल पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव से बातचीत की और लोगों से दिखाया भी, लालू प्रसाद यादव से वीडियो कॉल पे सभी को मुलाकात भी कराई। वहीं दूसरी तरफ मीसा भारती के आवास पर लालू देवी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने जन्माष्टमी बनाई, जिसकी कुछ प्यारे प्यारे वीडियोस मीसा भारती ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसमें बच्चे राधा कृष्ण के गाने पर गा रहे थे। और तस्वीर आई है जिसमें लालू प्रसाद खुद मूर्ति के स्वरूप पे बैठे हुए हैं।